नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे में के सिद्धार्थ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार पटना में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ आज घर की महिलाएं जो हैं वो घरों का काम छोड़ करके चकला और बेलन लेकर के आज सड़कों पर। आखिर क्या कारण है कि आज इन महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा अपने घर के काम काज सभी छोड़ करके? हमारे बीच में कुछ महिलाएं कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम उषा रानी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स की। आज जो ये महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बिहार के अंदर लाखों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करते हैं, जो बच्चे को जन्म लेने से पहले उसकी माँ को टेक ओवर करना शुरू करते हैं, गर्भवती माँ, उसके बाद बच्चा होने से बाद दूध पिलाऊ माँ, और 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को प्रॉपर कवर करती हैं, उनका पोषण का चेकअप, उनको टीकाकरण, उनका प्री स्कूल एजुकेशन करवाना, उनका रेफर करना, और एक स्कीम के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। और सरकार ने इतनी सारी स्कीम इनके ऊपर लाद दी हैं, पहले ICDS स्कीम थी, एक किशोरी योजना उस पर डाल दी, पोषण ऐप उस पर डाल दिया, मातृत्व वंदना उस पर डाल दी, पोषण ऐप ट्रैकर उस पर डाल दिया, BLO का काम उन पे थोप दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है जो उनके ऊपर लगातार थोपा जा रहा, काम बढ़ता जा रहा बट दाम नहीं बढ़ रहा। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी यह मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होता है तो कम से कम न्यूनतम वेज का दर्जा दिया जाए, ESI EPF ग्रेच्युटी के लाभ दिए जाएँ, और हमारे बच्चों को भी एजुकेशन में और हेल्थ के लिए हमें जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो मिलें। तो ये मांग आपकी नीतीश कुमार जी से है या BJP से है? हमारी दोनों से है, क्योंकि ICDS स्कीम है जेडी वो BJP सरकार की ओर से शुरू की गई है, भारत की सरकार से शुरू की गई थी उस समय की इंदिरा गांधी, तो अब उसमें 40% और 60% सरकार ने कर दिया है, 60% शेयर इसको भारत सरकार ने देना और 40% शेयर राज्य सरकार ने देना है, तो इसलिए हमारी डिमांड दोनों सरकारों से है। इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या कहेंगे? तो इस समय तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी हैं, बिहार की मुख्य पार्टी कोई भी है तो ये तो क्लियर है कि BJP की सरकार है, जहाँ पे बड़ी गिनती में औरतें काम करती हैं, तो इनकी मनुस्मृति में लिखा है कि औरतों की इज्जत नहीं करना, ढोल शुदर और ये नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इसलिए ICDS के अंदर 27 लाख महिलाएँ पूरे देश में काम करती हैं, तो इनकी नज़र में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, तो इसलिए महिलाओं को अपने आप की जो स्वाभिमान को बचाने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पे आना जरूरी है। अगर नीतीश कुमार की सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन ही एक रास्ता है, लड़ाई के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो सरकार बदलेंगे, अगर बदलेंगे तो किसकी बनाएंगे? अरे वो तो समय बताएगा किसकी बनेगी, क्योंकि हम अकेले के हाथ में तो सरकार बदलना नहीं है, तो आपने देखा ये पंजाब में चुनाव हुआ, दोनों रियाती पार्टियों के लोगों ने जड़ से उखाड़ दिया, तो शायद कभी यहाँ में ऐसा भी मौसम आ जाए। अच्छा, अभी आपके बिहार में जो राजनीति है बहुत गर्मा गर्म राजनीति चल रही है, अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य और पशुपालन विभाग के माननीय मुकेश साहनी जी, उनके 3 विधायक भाजपा में चले गए, क्या कहेंगे? तो वो तो उनका अपना राजनीतिक मसला है, हमारे तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का पेट भरने का मसला है, उनके बच्चों के एजुकेशन का मसला है, उनके स्वास्थ्य का मसला है, उनका राजनीतिक पार्टी का मंत्री, क्योंकि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, इनका कोई असर नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, बिहार सरकार में नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या सरकार सतर्क है? कोई सतर्क नहीं है, कोई महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर झूठी FIR दर्ज हो रही है और महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो आप किस जो ये महिलाओं का आज आंदोलन है ये अभी कब तक चल सकता है, क्या सरकार आपकी सुन रही है? ये चल रहा है अभी तक, देखते हैं जब तक सरकार की ओर से कोई डेलीगेशन तय नहीं होता तब तक जारी रहे। चलिए धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं VIP न्यूज। इस वक्त जो है बिहार पटना में महिलाएं सड़कों पर मौजूद हैं और सड़कों पर निरंतर ये संघर्ष जारी है, जब तक सरकार सुनेगी नहीं इन लोगों का, अगर सुनेगी नहीं तो ये लोग इस सरकार को उखाड़ने का भी काम करेंगे। आप लोग देखते रहिए हमारे साथ VIP न्यूज, मैं के सिद्धार्थ, फिर मिलेंगे। बंद कर दीजिए टीवी चैनल को, सपोर्ट। हाँ हाँ बिल्कुल।